हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एरे कैसे यूज़ करते हैं ऑटोकैड में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एरे तीन तरह के एरे यहाँ पे हमारा रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे और पोलर एरे। तो तीनों को एक बाय एक करके देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला मेरा क्या है, रेक्टेंगुलर एरे। यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है कि हमें रेक्टेंगल लेना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले रेक्टेंगल ले लेते हैं, REC एंटर, ठीक है। और जो डायमेंशन लेते हैं हम, वो ले लेते हैं 200 लेंथ और 100 विड्थ, ओके। अब यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो एरे कराने के लिए, सर्कल ले लो, फिर चाहे रेक्टेंगल ले लो, ठीक है। तो यहाँ से मैं पॉलीगन ले लेता हूँ, और पॉलीगन में हमारे यहाँ पे साइड पूछ रहा है, तो हम 5 ले लेते हैं और सेंटर ले लेते हैं, और यहाँ से कर देते हैं इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, और यहाँ से हम सर्कल का रेडियस जो है वो दे देते हैं। यहाँ पे हम 10 डाल दिए, ठीक है। अभी से हम करेंगे एरे, रेक्टेंगुलर एरे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जाएंगे और यहाँ से रेक्टेंगुलर एरे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए, तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे जिसे हमें एरे करना है, तो ये ऑटोमेटिक जो है एरे ले लेगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं। आपको जितना नंबर रखना हो, रो का, कॉलम का, दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना रखना हो, ये चीज़ सारे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉलम हमारा क्या है, 4 है, तो इसे एडिट करेंगे, ठीक है। हम कर देते हैं 5, ठीक है। ये देखो मेरा कॉलम कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बीच का डिस्टेंस जो फिलहाल अभी मेरा है, ये है इतना, ठीक है। अब इसे हम कर देते हैं चेंज, अगर हम 35 रखें तो ये देखो ये 35 जो है दोनों कॉलम के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। और ये टोटल डिस्टेंस है हमारा 35 यहाँ से यहाँ, फिर 35 यहाँ से यहाँ, फिर 35 यहाँ से यहाँ, तो ये डिस्टेंस हमारा क्या है, टोटल है 140। अगर हम टोटल डिस्टेंस के थ्रू हम यहाँ पे सेट करना चाहें, तो यहाँ से हम चेंज कर लेंगे, अगर 200 करेंगे तो ये देखो क्वांटिटी हमारा उतना ही रहेगा, लेकिन हमारा जो बीच का डिस्टेंस इक्वल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा टोटल डिस्टेंस, ठीक है। 150 लेंगे तो यहाँ के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 37.5 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं रॉ का, हमारा रॉ कितना है यहाँ पे, 3 है, ठीक है। यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, ये देखो 4 हो गया, और बीच का जो डिस्टेंस हमारा ये फिलहाल अभी इतना है, इसे हम कर लेते हैं 20, ठीक है। तो ये 20 हो गया, और यही हमारा है टोटल डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा कितना है, 20 है, फिर यहाँ से का डिस्टेंस कितना है, 20, फिर यहाँ से 20, तो ये टोटल डिस्टेंस हमारा है। तो यहाँ से कॉलम्स और रो का जो है हम देख लिए। अब यहाँ पे आता है लेवल्स। लेवल्स क्या होता है, जैसे आप इसको आइसोमेट्रिक व्यू करोगे यहाँ से, ठीक है। तो ये लेवल्स मेरा अभी कितना है, 1 है। जैसे मैं यहाँ पे हम 2 करेंगे, ये देखो लेवल्स मेरा क्या हो गया, 1 ऊपर आ गया, ठीक है। और ये डिस्टेंस है हमारा दोनों लेवल के बीच का, अगर हम 10 रखें तो ये देखो, हम इसे थोड़ा सा रोटेट करके आपको दिखाते हैं, ये देखो ये है हमारा लेवल्स, पता चल गया होगा आपको, ठीक है। ठीक है, अगर हम फिर से यहाँ पे लेवल्स हम 4 कर दें, तो ये देखो लेवल्स हमारा 4 हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा रेक्टेंगुलर कॉलम्स के, सॉरी रेक्टेंगुलर एरे के बारे में, ठीक है। यहाँ से बैक आ जाते हैं, इसे कर देते हैं डिलीट। बात करते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा है, पाथ एरे है। फिर यहाँ से नाम से हमें पता चल रहा है कि हमें पाथ लेना है, तो पाथ क्या लेना है, हमें स्प्लाइन लेना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से स्प्लाइन लेंगे हम, एंटर, ठीक है। और यहाँ से हम फिर से क्या करेंगे, एक सर्कल ले लेते हैं जिसे हमें एरे कराना है। तो यहाँ पर मैंने एक सर्कल ले लिया 10 रेडियस का, ठीक है। अब जाते हैं यहाँ से एरे में, और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं पाथ एरे। फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसे हमें एरे करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पाथ सेलेक्ट करना है, तो पाथ सेलेक्ट कर लिया, ये देखो ऑटोमेटिक जो है ये अपना ले लिया, ठीक है। अभी जो हमारा डिस्टेंस है, अभी जो आइटम है हमारा, ये 17 सेट हो गया है हमारे, ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सेट हो गया, ठीक है। और जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेके और यहाँ तक का, वो कितना है हमारा, 480 है, और 30 क्वांटिटी है हमारा, ठीक है, और 17 क्वांटिटी है। अब क्या करेंगे, अगर हमको क्वांटिटी चेंज करना हो, तो आप यहाँ से जाके क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
अभी फिलहाल ये नहीं लेगा इसमें, अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तब ये चेंज होगा। और जो हम ये डिस्टेंस जो है दो आइटम के बीच का वो कितना है, 17 है। अब यहाँ पे रो आता है एक, तो रो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, ये देखो ऐसे चेंज हो जाएगा रो हमारा, और ये दोनों रो के बीच का डिस्टेंस है। फिर लेबल वहीं आ गया, अगर लेबल हम यहाँ पे 4 दें और बीच का डिस्टेंस 10 दें, तो इसको आइसोमेट्रिक व्यू करके आप देखो तो ये ऐसे लेवल शो करेगा। ठीक है, तो हम लेवल कर देते हैं फिर से एक, ठीक है, इसे कर लेते हैं टॉप व्यू। ठीक है, तो ये था हमारा पाथ एरे के बारे में। ठीक है, इसे फिर से कर देते हैं हम डिलीट। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है पोलर एरे। तो पोलर एरे के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल ले लेते हैं यहाँ से 100 रेडियस का। ठीक है, अब हमें एरे करना है, तो फिर एरे के लिए कोई ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, तो फिर से हम ले लेते हैं एक सर्कल यहाँ पे 12 रेडियस का। अब इसे हमें एरे करना है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पोलर एरे लेंगे और यहाँ से कर लेंगे हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट। अब देखो क्या पूछ रहा है हमसे, सेंटर पॉइंट पूछ रहा है, किसके सेंटर, मतलब किसके सेंटर के थ्रू आपको एरे लेना है, तो हम ये सेंटर सेलेक्ट करेंगे और ये जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे ये एरे ले लिया। तो अब यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, क्वांटिटी ले लेते हैं हम 15। ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है हमारा टोटल कितना है, 360 है। सही है, अगर आपको 180 डिग्री पे लेना है तो देखो हाफ में आ जाएगा, और हमारा क्वांटिटी कितना है, 13 है, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 10 कर सकते हैं और यहाँ से हम कर देते हैं 360, और क्वांटिटी हमारा कितना है, 24। ठीक है, ठीक है, अगर आइटम अभी मेरा 15 है, अगर 10 ले तो ये 10 इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा आपका 10 आइटम। फिर वैसे ही यहाँ पे क्या है, रॉ है, ठीक है, तो यहाँ से हम रॉ चेंज कर सकते हैं, मान लो 5 ले लिए, तो ये देखो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर वही लेवल्स है, ठीक है, और लेवल्स के दोनों बीच का डिस्टेंस है, फिर यहाँ पे रॉ के बीच का डिस्टेंस है, तो ये चीज़ है हमारा पोलर एरे में। ठीक है,